नमस्कार, आप देख रहे हैं T10 24। मैं हूं प्रिया पांडे आपके साथ। आज के बुलेटिन की आगाज बड़ी खबरों के साथ। कैमूर में ELTF उत्पाद विभाग व स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में नेशनल हाईवे 2 पर अलग अलग 3 ट्रकों में से कुल 12,705 लीटर अवैध शराब बरामद कर 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। बता दें कि बरामद किए गए अवैध शराब की ब्लैक कीमत शराब माफियाओं के अनुसार 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार उत्पाद निरीक्षक गुंजेश कुमार ने बताया कि विशेष छापेमारी अभियान के तहत NH2 पर अलग अलग ट्रकों से भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए लगातार छापेमारी अभियान जारी। दिनांक 11/10/23 को दशहरा पर्व के मद्देनजर समिति जा चुकी मोहनिया में विशेष अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में 2 ट्रकों से भारी मात्रा में शराब जब्त हुई है। प्रथम ट्रक को मॉर्निंग में जब्त किया गया था, जिसमें रूल अदा हुआ था, उसमें करीब 3,087 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है। ये गाड़ी जो है सो ये दिल्ली से किया गया था और ये गाड़ी पश्चिम बंगाल जाने की बात कही गई थी। दूसरी गाड़ी करीब दोपहर में जब्त की गई है, उसमें करीब 6,069 लीटर शराब जब्त की गई है। उसमें चालक फरार हो गए हैं, ठीक है, और इस प्रकार हम लोग का अभियान लगातार जारी है और दोनों ट्रक मामला में विधिवत कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सर कितना अमाउंट होगा सर दोनों का मिलाकर? लगभग दोनों का बाजार मूल्य करीब करोड़ का, 1 करोड़ का जरूर है बाजार मूल्य। जो ब्लैक मूल्य जो बेचते हैं शराब माफिया लोग, ब्लैक मूल्य करीब 1 करोड़ का शराब है।